आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी केमिस्ट्री का जो क्लास हमारी है थर्ड, ठीक है। पार्ट थ्री का अध्ययन करेंगे। चैप्टर नेम है उपसहसंयोजन यौगिक, चैप्टर है 9। चलिए तो चलते हैं अपनी क्लास पर और अध्ययन करते हैं पार्ट थ्री का। पार्ट टू में हमने आईपीएससी नेम के जो लिगेंड्स थे उनके जो नामकरण था, लिगेंड्स का नामकरण, केंद्रीय धातु परमाणु और धनायन ऋणायन का, इस तरह से हमने सीखा था। तो चलिए आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वर्नर सिद्धांत, वर्नर सिद्धांत, और उसके साथ ही हम पढ़ेंगे समवयवता को। तो चलिए पहले हम पढ़ते हैं वर्नर सिद्धांत को। वर्नर सिद्धांत क्या होता है उसको देखते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे, उससे संबंधित क्वेश्चन भी करेंगे। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे समवयवता के बारे में, ठीक है। समवयवता के बारे में पढ़ेंगे। समवयवता को इंग्लिश में बोलते हैं आइसोमेरिज्म। चलिए हम इसको पढ़ लेते हैं। समवयवता की अगर डिफिनीशन की बात करें तो जब दो या दो से अधिक यौगिक के अणुसूत्र समान होते हैं परंतु उनके भौतिक व रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं तो ऐसे यौगिक एक दूसरे के समवयवी कहलाते हैं तथा यह घटना समवयवता कहलाती है, ठीक है। क्या होती है समवयवता? जब दो या दो से अधिक यौगिक के अणुसूत्र समान हों परंतु उनके भौतिक व रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं तो ऐसे यौगिक एक दूसरे के समवयवी कहलाते हैं तथा यह घटना समवयवता कहलाती है। आगे बात करें तो उपसहसंयोजक यौगिक में मुख्य रूप से दो प्रकार की समवयवता होती है। उपसहसंयोजक यौगिक की बात करें तो इसमें मुख्य जो समवयवता होती है वो दो प्रकार की होती है। पहली समवयवता होती है संरचनात्मक समवयवता, दूसरी होती है त्रिबिंब समवयवता। अगर हम संरचनात्मक समवयवता की बात करते हैं तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। इसके डिफिनीशन की बात करें तो ये संरचनात्मक समवयवता क्या होती है? संरचनात्मक समवयवता जब दो या दो से अधिक यौगिक के अणुसूत्र तो समान होते हैं परंतु संरचना सूत्र अलग अलग होते हैं तो ऐसे यौगिक एक दूसरे के संरचनात्मक समवयवी कहलाते हैं तथा यह घटना संरचनात्मक समवयवता कहलाती है। उपसहसंयोजक यौगिक में निम्न प्रकार की संरचनात्मक समवयवता पाई जाती है, मतलब संरचनात्मक समवयवता के पार्ट हैं ये सब, ठीक है। पहला पार्ट क्या है? आयनन समवयवता। दूसरा पार्ट है जल योजन विलायक योजन समवयवता। तीसरा पार्ट होता है इसी का बहुलकीकरण समवयवता। चौथा होता है उपसहसंयोजक समवयवता। फिर होता है हमारा पांचवा पार्ट उपसहसंयोजक स्थित समवयवता। फिर अगली होती है इसी की जो पार्ट है इसी का बंधन समवयवता। अगला इसी का पार्ट है लिगेंड समवयवता। तो ये टोटल जो हमारे पार्ट हुए वो 7 है इसके, ठीक है। तो 7 प्रकार की होती है संरचनात्मक समवयवता। चलिए हम इनके बारे में बात कर लेते हैं आगे। तो देखिए सबसे पहला जो हमारा होगा, पहला कौन सा है? सबसे पहले हमारा इसके पार्ट हमने पढ़े, इसके पार्ट कितने होते हैं? 6, ठीक है। तो ये तो संरचनात्मक समवयवता की बात हो गई। आगे हम पढ़ लेते हैं त्रिबिंब समवयवता को, फिर हम इसके पार्टों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए पहले हम त्रिबिंब समवयवता को पढ़ लेते हैं। देखिए त्रिबिंब समवयवता की अगर बात करें तो त्रिबिंब समवयवता की डिफिनेशन की बात करें तो त्रिबिंब समवयवता में जब दो या दो से अधिक यौगिक के अणुसूत्र और संरचना सूत्र दोनों समान होते हैं, ठीक है। अणुसूत्र भी समान होते हैं और संरचना सूत्र भी समान होते हैं परंतु उनका त्रिबिंब में विन्यास जो होता है, त्रिबिंब में विन्यास अलग अलग होता है तो ऐसे यौगिक एक दूसरे के त्रिबिंब समवयवी कहलाते हैं तथा यह घटना त्रिबिंब समवयवता कहलाती है। उपसहसंयोजक यौगिक में निम्न प्रकार की त्रिबिंब समवयवता पाई जाती है। पहले बात करें तो पहली को बोलते हैं ज्यामितीय समवयवता। इसका जो पार्ट होते हैं इसके केवल दो ही प्रकार होते हैं, ठीक है। त्रिबिंब समवयवता केवल दो प्रकार होते हैं, ये दो प्रकार की होती है ज्यामितीय समवयवता और दूसरी है प्रकाशिक ध्रुवण समवयवता। तो अभी हमने पहले क्या संरचनात्मक समवयवता पढ़ी थी, हम उसके अब पार्टों का भी अध्ययन कर लेते हैं। चलिए आगे हम उसके पार्ट को पढ़ लेते हैं। तो देखिए पहला पार्ट है उसका
ठीक है, आयनन समावयवता, आयनन समावयवता की हम बात करेंगे। संरचनात्मक हेडिंग डाल दीजिएगा यहाँ पे, संरचनात्मक समावयवता, एक मिनट, समावयवता ठीक है, के प्रकार, ठीक है, ये हेडिंग आप डाल लीजिएगा, संरचनात्मक समावयवता के प्रकार। ठीक है, ये हेडिंग डालने के बाद फिर हम इसकी डिफिनीशन पढ़ेंगे। तो इसके ये जो प्रकार है, पहला प्रकार है आयनन समावयवता, तो ये आप सब ऊपर हेडिंग डाल लीजिएगा, उसके बाद हेडिंग डालिएगा आयनन समावयवता। आयनन समावयवता के बारे में बात करेंगे, तो देखिए आयनन समावयवता के बारे में बात कर रहे हैं हम, तो ये देखिए क्या लिखा हुआ है, जब दो या दो से अधिक उपसह संयोजक यौगिक के अणुसूत्र समान होते हैं परंतु वे जल या विलायक में घुलकर, जल को ही विलायक बोलते हैं, ठीक है, जल में घुलकर भिन्न भिन्न प्रकार के आयनों में टूटते हैं, तो ऐसे यौगिक को आयनन समावयवती समावयवी कहलाते हैं। तो यह घटना या गुण जो होता है वो आयनन समावयवता कहलाती है। जैसे बात करें तो पहला हमारा उदाहरण हो गया CONH3 का होल पाइप SO4 कोष्टक में BR, ठीक है। अब इसी को हम अगर लिखना चाहेंगे, जब टूटेगा ये जल में, मान लीजिए ये जल में घुल रहा है, ठीक है, ये जब जल में घुलेगा तो ये टूट जाएगा दो पार्ट में, पहला पार्ट हो जाएगा धनायन CONH3 का होल पाइप SO4 पॉजिटिव, और दूसरा टूट गया BR निगेटिव, मतलब निगेटिव पार्ट बन गया। इसी तरह से दूसरे उदाहरण की बात करें, दूसरा उदाहरण है हमारा CONH3 का होल पाइप BR और कोष्टक के बाहर है SO4। अब ये टूटेगा तो देख लीजिए, अब ये इस तरह से टूट गया CONH3 पाइप, ठीक है, BR डबल पॉजिटिव और SO4 डबल निगेटिव, ठीक है। तो इस तरह से ये दोनों टूट गए और यही जो है वो घटना कहलाती है आयनन समावयवता। हम तो इसके दूसरे पार्ट के बारे में बात करते हैं, तो दूसरा पार्ट था, हमने पढ़ा था अभी पीछे, दूसरा पार्ट था जल योजन या विलायक योजन समावयवता, इसके बारे में बात करेंगे। तो जब दो या दो से अधिक उपसह संयोजक के अणुसूत्र, जो उपसह संयोजक यौगिक के अणुसूत्र, उनमें उपस्थित H2O के अणुओं की संख्या समान होती है परंतु H2O के अणुओं की संख्या आयनिक व उपसहसंयोजक मंडल में अलग अलग होती है, तो ऐसे यौगिक जल योजन समावयवी कहलाते हैं तथा यह घटना विलायक योजन समावयवता कहलाती है। अगर पहले उदाहरण की यहाँ पे बात करेंगे, तो पहला उदाहरण है CrH2O का होल 6 बार है Cl3, दूसरा उदाहरण इसी का है Cr फिर H2O का होल 5 फिर लिखा है Cl फिर बाहर है Cl2.H2O। अब इनकी बात करते हैं, ठीक है, तो ये दोनों हैं इस तरह से इनको लिखा जा सकता है। देखिए H2O लिखा हुआ है यहाँ पे 6 यहाँ पे 5, अगर हम इसको लिखना चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, H2O को एक बाहर लिख सकते हैं, Cl जैसे लिखा हुआ है Cl3 थे तो Cl को हम एक अंदर लिख सकते हैं, एक बाहर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही कहलाती है क्या, जल योजन या विलायक योजन समावयवता। दूसरे अगर बात करें दूसरे उदाहरण की, तीसरा पार्ट था बहुलकीकरण समावयवता, बहुलकीकरण समावयवता की बात करते हैं, तो समान मूलानुपाती सूत्र एवं भिन्न आणविक संगठन वाले यौगिक एक दूसरे के बहुलकीकरण समावयवी कहलाते हैं। समान मूलानुपाती सूत्र एवं भिन्न भिन्न आणविक संगठन वाले यौगिक एक दूसरे के बहुलकीकरण कहलाते समावयवी कहलाते हैं तथा यह घटना बहुलकीकरण समावयवता कहलाती है। उदाहरण की अगर यहाँ पे बात करते हैं तो देख लीजिए, यहाँ पे ये उदाहरण है इसका PtNH3 का होल ट्वाइज Cl2 और पूरे का होल ट्वाइज 2, ठीक है। इनको अगर हम अलग अलग करना चाहेंगे तो इस तरह से भी लिख सकते हैं हम, ये लिखा हुआ है आपको दिख रहा है, इनको हमने तोड़ दिया अलग अलग कर दिया तो PtNH3 का होल 4 और ये बन जाएगा PtCl4, ये दोनों बन गए, यही कहलाता है बहुलकी समावयवता, ठीक है। चलिए आगे अगर बात करते हैं तो दूसरी हम बात करते हैं, बहुलकीय समावयवता हमारा हो गया है, आगे बात करते हैं अगले पार्ट की। अगला पार्ट है हमारा डी पार्ट हमारा कौन सा है, उपसहसंयोजक समावयवता, उपसहसंयोजक समावयवता के बारे में बात करें, तो देखिए
इसकी डिफिनेशन पढ़ते हैं तो धनावेशित व ऋणावेशित संकुल वाले ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं परंतु उनमें उपस्थित लिगैंड्स अपनी स्थितियां बदल लेते हैं, तो ऐसे उपसंयोजक यौगिक एक दूसरे के उपसहसंयोजक समावयवी कहलाते हैं तथा यह घटना उपसहसंयोजक समावयवता कहलाती है। ठीक है, तो ये है उपसहसंयोजक समावयवता। चलिए आगे हम देखते हैं, इसके उदाहरण के बारे में पढ़ते हैं। इसके उदाहरण लिखे हुए हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है CuE, फिर क्वेश्चन में NH3 का होल 4 PtCl4। ठीक है, तो या हम इसको इसी तरह से लगा सकते हैं, ये कंपाउंड यहाँ पे चेंज हो जाते हैं, तो देखिए PT की जगह में CU हो जाएगा, CU की जगह में PT हो जाएगा, तो ये बन जाएगा PtNH3 का होल 4 या CuCl4। तो ऐसा ये उदाहरण किसका है, उपसहसंयोजक समावयवता का। चलिए आगे इसी तरह से ये दूसरा उदाहरण भी है, यहाँ पे भी इसके जो ये के हैं वो चेंज हो गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं दूसरे की। तो अगला हमारा है उपसहसंयोजक स्थिति समावयवता। स्थिति समावयवता की अगर बात करें तो इसकी परिभाषा पढ़ते हैं, बहुनाभिकीय उपसहसंयोजक यौगिक में असेतु कारक, ठीक है, असेतु कारक लिगैंड्स में आपस में स्थान बदलने के कारण बनने वाले यौगिक उपसहसंयोजक स्थिति समावयी कहलाते हैं तथा यह घटना उपसहसंयोजक स्थिति समावयवता कहलाती है। उदाहरण की अगर बात करें तो आपको दिख रहा होगा उदाहरण Cl2NH3 का होल ट्वाइस CO, फिर लिखा होगा OH और फिर यहाँ पे OH CoCl2NH3 का होल थ्राइस। ठीक है, अगर इसी को हम लिखना चाहें तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, NH3 और NH3 ये आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो क्या बन जाएगा NH3 का होल 5। ठीक है, और ClCl आपस में जुड़ जाएंगे, बन जाएगा Cl4। CO साइड साइड में लगा रहेगा और इस तरह से भी लिख सकते हैं और ये कहलाती है उपसहसंयोजक स्थिति समावयवता। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं, आगे इसके कुछ बात करते हैं। तो आगे हमारा जो है वो है हमारा कौन सा, बंधनी समावयवता। बंधन या बंधनी समावयवता की अगर बात करते हैं हम तो देख लीजिए इसकी डिफिनेशन पढ़ते हैं यहाँ पे, जब दो उपसहसंयोजक यौगिक के अणुसूत्र समान होते हैं परंतु उसमें उपस्थित उभयदंतुक लिगैंड्स अलग अलग दाता परमाणु द्वारा केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ा होता है तो ऐसे यौगिक बंधन समावयवी कहलाते हैं तथा यह घटना बंधन समावयवी कहलाते समावयवता कहलाती है। अगर बात करें तो इसके उदाहरण की CuCoNH3 का होल 5 ONO और Cl2। ठीक है, यहाँ पे बात की गई है कि इसके जो अणुसूत्र होते हैं वो तो समान होते हैं पर उसमें उपस्थित उभयदंतुक लिगैंड जो होते हैं वो अलग दाता परमाणु द्वारा केंद्रीय दाता परमाणु से जुड़ा होता है। अगर बात करते हैं तो देख लीजिए उदाहरण में, ये देख लीजिए CoNH3 का होल 5 NO2, यहाँ पे इसको अलग करके लिखा गया था ONO और दूसरे में लिखा है NO2। ठीक है, मतलब दोनों को एक साथ लिख दिया गया है और फिर बाहर Cl2, तो इस प्रकार का जो होगा, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, बंधनी समावयवता। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं, यहाँ पे आगे बात करते हैं। तो आगे हमारा जो अगला नंबर था, जो अगला पॉइंट था हमारा, वो था लिगैंड समावयवता। कौन सा था, लिगैंड समावयवता। लिगैंड समावयवता की अगर बात करें तो देखिए कुछ लिगैंड्स जो होते हैं वो स्वतः ही समावयवी रूपों में पाए जाते हैं, ऐसे लिगैंड से बनने वाले उपसहसंयोजक यौगिक लिगैंड समावयवी कहलाते हैं तथा यह घटना लिगैंड समावयवता कहलाती है। अगर बात करेंगे इसकी तो देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है CH2 सिंगल बॉन्ड CS सिंगल बॉन्ड CH3 CH2 के नीचे NH2 और CH के नीचे NH2। इसका अगर IPSC नेम की बात करें तो इसका IPSC नेम भी यहाँ पे लिख दिया गया है 1,2,1, क्या लिखा हुआ है यहाँ बात करते हैं तो इसको बोलेंगे 1,2-diaminopropane। यहाँ पे दूसरा इसका है इसी तरह से NH2 सिंगल बॉन्ड CH2 फिर CH3 और यहाँ पे ऊपर लगा हुआ है NH3 और यहाँ पे CH3 पर लगा है NH2। इसकी अगर हम IPSC नेम की बात करेंगे तो इसको बोलेंगे 1,3-diaminopropane। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगर इसका हम इस तरह से लिखेंगे
इसका हम पूरा इस तरह से रूप लिखेंगे तो ये बन जाएगा सीओ, और इसको लिखेंगे क्या लिखेंगे पीएन का, पीएन मतलब क्या हो जाएगा कि डाई एमिनो, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है टीएन, टीएन का मतलब क्या हो जाएगा, टीएन का मतलब हो जाएगा शॉर्ट रूप इसका पूरा लिखा गया है 1,3 डाई एमिनो प्रोपेन, और इसका जो शॉर्ट रूप है डाई एमिनो प्रोपेन का वो लिख दिया गया है पीएन, ठीक है। तो ये शॉर्ट रूप है इसका वो लिखा गया है। चलिए आगे अब हम दूसरे टॉपिक की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारा जो संरचनात्मक समावयवता है वो तो समाप्त होता है। आगे हमारा आ जाएगा कौन सा प्रकाशिक समावयवता, मतलब संरचनात्मक समावयवता और त्रिविम समावयवता। तो अब हम हेडिंग डालेंगे त्रिविम समावयवता के प्रकार, ठीक है, त्रिविम समावयवता के प्रकार, ठीक है, यहाँ डाल देंगे त्रिविम समावयवता के प्रकार। तो इसका पहला जो प्रकार है वो है ज्यामितीय समावयवता। ज्यामितीय समावयवता की अगर बात करेंगे तो देखिए, ज्यामितीय समावयवता की अगर बात करेंगे तो ज्यामितीय समावयवता में क्या लिखा हुआ है, जब दो या दो से अधिक उपसंयोजक यौगिक के अणु सूत्र व संरचना सूत्र तो समान होते हैं, परंतु केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर उपस्थित लिगेंड की स्थिति त्रिविम में अलग अलग होती है, तो ऐसे यौगिक ज्यामितीय समावयवी कहलाते हैं, तथा जो ये घटना होती है इस प्रकार की वो कहलाती है ज्यामितीय समावयवता, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिखा हुआ है कि जब यदि सेम हो ग्रुप हो, सेम साइड हो, ठीक है, जहाँ पर इस तरह से कभी आगे जब हम IPSC की थी पिछली क्लास में, तो उसमें आपको दिखाया गया था सेम ग्रुप था और सेम साइड था, तो उस तरह उसको बोलते हैं, हमने कहा था कि इसको बोलते हैं जब सेम साइड होता है और सेम ग्रुप होता है, सेम साइड सेम ग्रुप हो तो उसे बोलते हैं सिस फॉर्म, मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं समपक्ष समावयवी। वहीं पे अगर सेम ग्रुप हो लेकिन वो अपोजिट साइड में हो, ठीक है, तो उसे बोलते हैं ट्रांसफॉर्म, जिसे बोलते हैं विपक्ष समावयवी। क्या बोलते हैं, विपक्ष समावयवी। ये हमने आपको बताया था जब IPSC आपने पिछली क्लास में पढ़ा था, तो वहाँ पे आया था IPSC इस तरह से, तो वहाँ पे बताया गया था। चलिए इसके उदाहरण को चेक कर लेते हैं। तो उदाहरण इसका ये होता है, देख लीजिए, इसी तरह से IPSC में भी था, आपको बताया गया था, यहाँ पे लिखा है, देखिए, तो यहाँ पे देख लीजिए, अगर इसके हम बात करते हैं उदाहरणों की, तो इसका पहला उदाहरण लिखा हुआ है यहाँ पे, PtCl3 यानी HT का होल ट्वाइज, इसका अगर बात करेंगे तो इसको देखिए, ये सेम ग्रुप है और सेम साइड है, सेम ग्रुप है सेम साइड है, तो इसको बोलते हैं सिस फॉर्म, और यहाँ पे विपरीत साइड है, देखिए विपरीत साइड, यहाँ पे देख लेते हैं, ऐसे देख लेते हैं, ये विपरीत साइड है, ये विपरीत साइड है, तो इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म, ठीक है। दूसरी इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है इसकी, वो कितनी होती, 4 होती इस यौगिक की। आगे बात कर लेते हैं, तो दूसरा नंबर हमारा है, अगर इसको हम देखेंगे तो इस तरह से PtBrClNH3 को जब हम संरचना सूत्र बनाते हैं तो ये बनेगा। इसमें देखिए ये क्या है, सेम ग्रुप सेम साइड, ठीक है, ये भी सेम ग्रुप तो नहीं है लेकिन साइड सेम है, ठीक है, तो इस तरह मतलब ग्रुप ही, मान लीजिए ग्रुप भी एक है, क्यों ग्रुप है, वैसे तो ये ClCl नहीं है लेकिन CR जो BR है ये एक ही ग्रुप में आते हैं, किस में आते हैं, एक ही ग्रुप में, हैलोजन ग्रुप में, हैलोजन ग्रुप होने के कारण ये एक ही ग्रुप में माने जाएंगे, इसलिए ये भी सिस फॉर्म में ही माने जाएंगे, इसे भी हम लोग संपक्ष समावयवी कहेंगे। दूसरी चीज़, अब ये अलग अलग हैं, देखिए, तो इनको हम ट्रांसफॉर्म बोलेंगे, मतलब विपक्ष समावयवी बोलेंगे। आगे बात करते हैं अगले एग्जांपल की, तो यहाँ पे देखते हैं इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना होगा, 6, मतलब उपसंयोजन जो संख्या होगी इसकी 6 होगी, ठीक है, इसकी उपसंयोजन संख्या 4 होगी। आगे बात कर लेते हैं इसकी एग्जाम्पल 3 की, ये देखिए CONH3 का होल 4Cl2 और ऊपर लिखा है +2 का साइन, ठीक है, इसका अगर फिगर बनाते हैं तो देखिए हमने NH3 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 ClCl 2 है, ठीक है, तो इस तरह से इसका हमने बना दिया है। अब देख लीजिए यहाँ पे,
अब इसका भी देख लेते हैं, इसका देखते हैं। तो ये इसका हम इस तरह से करेंगे, तो देखिए सीएल सीएल लगे हुए हैं, ये NH3 NH3, ठीक है, यहाँ पे NH3 H3, ये होगा सिस फॉर्म, ऊपर वाला होगा ट्रांस फॉर्म, ठीक है। तो चलिए इस तरह से इसके हमने तीन एग्जाम्पल देख लिए हैं। आगे हम बात कर लेते हैं प्रकाशिक या ध्रुवण समावयवतिक, ये इसका दूसरा पार्ट है त्रिबिंब समावयवता का। त्रिबिंब समावयवता का ये दूसरा पार्ट है, इसका फिगर भी आपको दिख रहा होगा, ये फिगर बना हुआ है, ये देख लीजिए यहाँ से, ये फिगर है प्रकाशिक या ध्रुवण समावयवता का, इस तरह से होता है ये इसका सामान्य प्रकाश होता है, और जो यहाँ पे नीचे से लाइन जाती है वो समतल ध्रुवित प्रकाश होता है, ठीक है। ये किस प्रकार से करता है, तो ये ध्रुवण अघूर्णक होता है, ये कैसा होता है, ध्रुवण अघूर्णक होता है, और जो इस तरह से ये लाइट बनाएगी, इस तरह से आएगी, उल्टा आएगी जब इस तरह से, तो इसे बोलते हैं दक्षिण ध्रुवण अघूर्णक, ठीक है, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, और इसे जो बोलते हैं, इस तरह से जो ये लाइन होती है इस तरह से, उसे बोलते हैं वाम ध्रुवण घूर्णक, ऊपर वाले को बोलते हैं क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रही है, और यहाँ पे इस तरह से नीचे की तरफ होए, इसको बोलते हैं दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, और इसको बोलते हैं वाम ध्रुवण घूर्णक, ठीक है। तो ये इसका फिगर है, आगे हम इसके डिफिनीशन की बात कर लेते हैं। डिफिनीशन की अगर बात करेंगे प्रकाशिक या ध्रुवण समावयवता की, तो जब दो या दो से अधिक उपसंयोजक यौगिक के अणुसूत्र व संरचना सूत्र समान होते हैं, परंतु समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति उनका व्यवहार अलग अलग होता है, तो ऐसे यौगिक एक दूसरे के प्रकाशिक समावयवी कहलाते हैं, तथा यह घटना प्रकाशिक समावयवता कहलाती है। प्रकाशिक समावयवी एक दूसरे के प्रतिबिंब रूपी या, ठीक है, क्या होते हैं, ये एक दूसरे के प्रतिबिंब रूपी होते हैं, ये प्रतिबिंब रूपी या इनेंसमर होते हैं, ठीक है। जो समावयवी कंपनों को दक्षिणावर्त या क्लॉकवाइज दिशा में घुमाता है उसे हम लोग डेक्स्ट्रोफॉर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रोफॉर्म बोलते कहते हैं, तथा जो वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमाता है जो समावयवी उसे हम लोग लिबोफॉर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लिबोफॉर्म समावयवी कहते हैं। चलिए अब इसको हम आगे चेक कर लेते हैं, तो ये देख लीजिए इसका उदाहरण है, उदाहरण हमारा दिया हुआ है COEN का होल थ्राइड, EN का फुल फॉर्म आपको बताया गया था, डाइएमीन, ठीक है, होता है आगे करके, तो आगे और ऊपर लिखा है इसको 3+, तो इस तरह से ये हमारा लिखा हुआ है CO, यहाँ पे EN3 ग्रुप है, इसके 3 बार आया है, तो इसको इस तरह से ये फिगर में दर्शा दिया गया है, ठीक है। आगे हम बात करें दूसरा हम इस प्रकार से भी इसको दर्शा सकते हैं, और ये है प्रकाशिक समावयवी का उदाहरण। अब हम आगे, ये उदाहरण था हमारा, आगे हम बात कर लेते हैं वर्नर सिद्धांत की, ठीक। तो चलिए हम वर्नर सिद्धांत को पढ़ लेते हैं, देखते हैं वर्नर सिद्धांत होता क्या है। यहाँ पे वर्नर सिद्धांत पढ़ लेते हैं, तो वर्नर सिद्धांत में क्या लिखा हुआ है देख लीजिए, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। देखिए वर्नर के अनुसार किसी उपसंयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु दो प्रकार की संयोजकता दिखाता है, पहला प्राथमिक संयोजकता, दूसरा होगा द्वितीयक संयोजकता। प्राथमिक संयोजकता की अगर बात करें तो ये ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होती है और ये विलयन में आयनित तो हो जाती है, अर्थात आयनन योग्य होती है, इनको बिंदुदार रेखा द्वारा प्रदर्शित की करते हैं। प्राथमिक संयोजकता द्वारा जुड़े आयनों को बड़े कोष्टक से बाहर लिखते हैं, और प्राथमिक संयोजकता की प्रकृति जो होती है वो आदिशात्मक होती है, अर्थात इनके द्वारा उप सहसंयोजक यौगिक की ज्यामिति या संरचना का निर्धारण नहीं होता है, ज्यामिति या संरचना का निर्धारण नहीं होता है, ठीक है। दूसरी बात कर लेते हैं द्वितीयक संयोजकता की, द्वितीयक संयोजकता के बारे में बात करते हैं, तो ये ऋणायनों, धनायनों व उदासीन अणुओं द्वारा संतुष्ट हो सकती है। द्वितीयक संयोजकता की संख्या जो होती है वो निश्चित होती है, जिसे हम लोग उपसहसंयोजक संख्या कहते हैं। इसकी संतुष्टि से यौगिक के उपसहसंयोजक मंडल का निर्माण होता है,
और द्वितीयक संयोजकता विलयन में आयनित नहीं होती। क्यों आयनित नहीं होती है? क्योंकि ये आयनन योग्य ही नहीं होती है। ठीक है, इनको हम लोग सतत रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। आपको फिगर में दिख रहा है सतत रेखा, इसी तरह से सतत रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और द्वितीयक संयोजकता द्वारा जो जुड़े लिगैंड्स होते हैं वह केंद्रीय धातु परमाणु को हम लोग हमेशा बड़े कोष्टक में लिखते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं थोड़ी सी और इसके बारे में विस्तार से। देखिए, द्वितीयक संयोजकता प्राथमिक संयोजकता की अपेक्षा जो होती है वो प्रबल बंध बनाती है। ये हमें पता है कि जो प्राथमिक संयोजकता वो छिड़ बंध बनाती है और द्वितीयक संयोजकता प्रबल बंध बनाती है। द्वितीयक संयोजकता की प्रकृति दिशात्मक होती है, अतः इनके द्वारा किसी उपसंयोजन यौगिक की ज्यामिति या संरचना को स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे अगर बात करें चतुष्फल की, वर्ग समतली और अष्टफल की आदि, ये चतुष्फल की संरचना बनी हुई है, ये वर्ग समतली, ये अष्टफल की। ठीक है, अब इसी से संबंधित हम एक उदाहरण की बात कर लेते हैं। तो चलिए उदाहरण की बात करते हैं। ये देख लीजिए, हमारा पहला उदाहरण है COCl3.CX6NH3। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, चाहे तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, इनमें अगर बात करें तो हम इसको प्रदर्शित करेंगे। तो देखिए, NH3 यहाँ पे द्वितीयक संयोजकता को प्रदर्शित करता है। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा Cl होगा ये प्राथमिक संयोजकता को प्रदर्शित करता है। ठीक है, जो Cl होगा वो हमेशा प्राथमिक संयोजकता को प्रदर्शित करेगा और जो NH3 होगा वो द्वितीयक संयोजकता को प्रदर्शित करेगा। तो चलिए देखिए, NH3 यहाँ पे कितने हैं, तो 6 हैं, तो 6 NH3 हमने लगा दिए। और बाण्ड कौन सा द्वितीयक संयोजकता प्रदर्शित करता है, तो द्वितीयक का बाण्ड होता है सीधा और प्राथमिक का इस तरह से छीण होता है, इसलिए प्राथमिक के लिए छीण लगाया गया। अब प्राथमिक संयोजकता की बात करते हैं तो ये है Cl कितने हैं यहाँ पे 3, तो इस तरह से हमने इसको प्रदर्शित कर लिया। इसी तरह से हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल हमारा COCl3.5NH3.H2O और यहाँ पर भी, ठीक है, इसी तरह से एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर जो भी H2O होगा, ठीक है, H2O और NH3 ये दोनों ही क्या होंगे, तो ये दोनों ही होंगे द्वितीयक संयोजकता और Cl3 हमारा प्राथमिक संयोजकता होगा। तो इसको भी हमने प्रदर्शित कर लिया। यहाँ पे NH3 जो है वो 5 है और यहाँ पे H2O साथ में है, तो उसको भी नोट कर दिया, उसको द्वितीयक संयोजकता वाले बांड से हमने जोड़ा है। और वहीं पे Cl जो है वो छिण बंध मतलब प्राथमिक संयोजकता प्रदर्शित करता है, इसलिए उसको छिण बंध से दिखाया गया है। चलिए आगे बात करते हैं। यहीं से आज की जो हमारी क्लास होती है वो फिनिश होती है। अगली क्लास में हम प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता को पहचानना सीखेंगे। तो चलिए, आज की क्लास हमारी यहीं से होती है फिनिश। अगली क्लास में हम प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकता कैसे पहचानेंगे उसकी बात करेंगे और उससे संबंधित हम क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हमारी यहीं पर होती है फिनिश।